Good morning, dear students. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your computer class and we are doing fifth chapter of computer, more about the mouse. अभी तक हमने computer को जाना, computer को start, off करना जाना और हमने keyboard के बारे में जाना. हमने जाना कि computer कहाँ कहाँ उपयोग होता है. अभी तक हमने इन fourth chapter में ये सारी चीज़ें सीख ली. ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का वर्क कहाँ कहाँ होता है और कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए कीबोर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, देन कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है, कौन कौन सी की को क्या बोलते हैं. ठीक है, और कितनी उसमें स्पेशल कीज़ होती हैं, ये भी हमने जान लिया. ठीक है, अब हम जानेंगे माउस के बारे में कि जो कि कंप्यूटर का एक चूहा होता है जिसे माउस कहा जाता है. और माउस के बारे में हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इस चैप्टर में हम उसे आपको बताएंगे. ठीक है, तो आज से आपकी आपका एक नया लेसन शुरू हो रहा है जो कि फिफ्थ लेसन है. उसमें आपको माउस के बारे में बताया जाएगा. ठीक है, माउस एंड इट्स पॉइंटर, माउस और उसके पॉइंटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस की अलग अलग प्रकार के माउस होते हैं, देन लेफ्ट एंड राइट क्लिक, लेफ्ट और राइट क्लिक क्या होता है ये बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल क्लिक, सिंगल क्लिक हम कब करते हैं, डबल क्लिक कब करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताएंगे, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन यूजिंग लेफ्ट क्लिक, और किस तरह से आप ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट क्लिक के द्वारा. ठीक है, तो हम सब कुछ अब माउस के बारे में पढ़ेंगे, है ना. हमने अब जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ा. उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में ये देखा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है. थर्ड चैप्टर हमारा ये था कि कंप्यूटर को शुरू कैसे करते हैं, उसे बंद कैसे करते हैं. देन फोर्थ चैप्टर में हमने जाना कि कीबोर्ड का इस्तेमाल क्या है और अब हम फिफ्थ चैप्टर में ये जानेंगे कि माउस को कैसे उपयोग किया जाता है, माउस में किस तरह से क्लिकिंग होती है, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, स्क्रॉल बार क्या होता है. ओके, सो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो ए पॉइंटिंग डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ए माउस, जो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है कि पॉइंट करने के लिए भी, हमें निर्देश देने के लिए भी एक डिवाइस होता है जो कि अटैच होता है कंप्यूटर के साथ, उसे कहते हैं हम माउस. डू यू नो व्हाई इट इज़ नेम्ड सो, क्या आप जानते हैं इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया. इट लुक्स लाइक ए रियल माउस एंड हैज़ ए लॉन्ग टेल लाइक ए रियल वन, क्योंकि इसको देखने पर ऐसा ही लगता है कि ये सचमुच का एक चूहा है, क्योंकि जब इसके भी पीछे एक पूंछ जैसा निकला हुआ होता है, एक तार होता है, है ना, वायर होता है, वो ऐसा ही लगता है कि चूहे की बड़ी सी पूंछ है, सचमुच की पूंछ है. ठीक है, बिसाइड्स इट मूव्स क्विकली ऑन द स्क्रीन, और ये जो है स्क्रीन पर बहुत ही जल्दी से वर्क करता है, मूव करता है. ठीक है, ए माउस इज यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट आइटम्स ऑन द कंप्यूटर, एक माउस का उपयोग पॉइंट करने के लिए आइटम जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर कुछ हमने लिखा है उसको सेलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड वाइल प्लेइंग गेम्स एंड मेकिंग ड्राइंग, इस माउस का उपयोग हम गेम्स खेलने के लिए भी करते हैं, देन ड्राइंग बनाने के लिए भी करते हैं. ओके, अब टाइप्स ऑफ माउस दे रखे हैं, देन टाइप्स ऑफ माउस में हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस आर अवेलेबल इन द मार्केट, के डिफरेंट टाइप्स के जो अलग अलग प्रकार के माउस हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं. और किस तरह के हैं, देखिए टू बटन माउस भी हैं जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है, है ना ये, देन थ्री बटन माउस भी आ गया, ये आप देख सकते हैं, देन स्क्रॉल माउस कि उस पर कोई मतलब दोनों बटन तो होते ही हैं, जैसे आपने फर्स्ट में देखा इसमें कोई स्क्रॉल बटन नहीं है, सेकंड में आप देख रहे हैं कोई स्क्रॉल बटन नहीं है. ठीक है, लेकिन थर्ड में है एक पहियानुमा आकृति है जो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, जिसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं, है ना, पहिए को घुमा सकते हैं. तो इन माउस के बारे में हम
आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, है ना। अभी तक ये क्लियर रखिए कि माउस जो है वो कंप्यूटर से अटैच रहता है और एक ऐसा डिवाइस है जो पॉइंट करने के लिए काम में आता है, और इसका नाम माउस क्यों है वो इसलिए है कि ये एक रियल माउस की तरह ही दिखता है। जो इसमें वायर अटैच होता है वो इस तरह से ही दिखता है कि ये सचमुच किसी चूहे की पूंछ हो, और ये कंप्यूटर पे की स्क्रीन पर मूविंग इसके मूव्स दिखाता है कि ये कहाँ मूव कर रहा है, इसका पॉइंट कहाँ जा रहा है। देन माउस का जो पॉइंट है वो हमारे आइटम्स को, हमारे सिलेक्टेड आइटम को सिलेक्ट करने के लिए या हमने जो लिखा है उसको सिलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर काम आता है। देन ये प्लेइंग गेम, गेम खेलने के लिए और आपकी ड्राइंग बनाने के लिए भी काम आता है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया, और हम जो कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार के जो माउस पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।